जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जनवरी महीने में जिन राशियों के विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी आपको शुक्र के राशि परिवर्तन के आधार पर देने जा रहा हूं। क्योंकि वर्तमान समय में खरमास है और खरमास जो है 15 जनवरी तक रहने वाला है और फिर 15 जनवरी से जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है, तो तब तक कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। जैसा कि आपको मैंने अन्य वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता देता हूं कि खरमास तब लग जाता है जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं और कुल मिलाकर सूर्य जो है 30 दिनों तक किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर वो विराजमान हो जाते हैं। 30 दिनों तक उस राशि के जातकों पर सूर्य का प्रभाव रहता है, लेकिन जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो अन्य ग्रहों का प्रभाव छीन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो सूर्य के निकटतम कोई भी ग्रह रहे तो उसका प्रभाव तत्काल से ही निष्क्रिय हो जाता है। तो गुरु के रहने पर या धनु और मीन राशि के जो राशि स्वामी है गुरु है, तो इसके चलते जो है सूर्य के गोचर से धनु राशि और मीन राशि के जातकों के जो है राशि स्वामी गुरु है उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है या कम हो जाता है। इसके चलते कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो खरमास जो है 14 जनवरी तक है और 14 जनवरी को जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी और मकर संक्रांति का दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन जो है सूर्य उत्तरायण भी होते हैं दक्षिणायन से। आपको महाभारत काल की एक कथा आपको सुना देता हूं कि जब भीष्म पितामह धनुर्धर अर्जुन के बाणों से घायल हो गए तो वो वान सैया पर पड़े हुए थे और दक्षिणायन समय था सूर्य का, तो जब तक उत्तरायण नहीं हुआ तब तक वो सैया पर पड़े रहे। गीता में साफ साफ कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण रहने में शुक्ल पक्ष में और दिन के उजाले में अगर कोई व्यक्ति पंचतत्व में विलीन होता है या अपना देह त्याग करता है तो उसे पृथ्वी पर दोबारा नहीं वापस आना पड़ता है। हालांकि ऐसे लोग जो कि जीवात्मा है और ऐसे लोग जो कि सतोगुणी के हैं, ऐसे नहीं जो तमोगुणी और रजोगुणी के हैं उनके लिए यह लागू नहीं होता है। तो भीष्म पितामह दोबारा पृथ्वी पर वापस न आने के ही हेतु जो है वान सैया पर पड़े रहे और जब सूर्य उत्तरायण हुआ मकर संक्रांति की तिथि को तो उसके पश्चात उन्होंने अपना देह त्यागा, तो इसके चलते हुए पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आए। तो यह तो कहानी आपको कथा जो है महाभारत की बताई है। वैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु भी प्राप्त था, तो इसके चलते जो है मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन अगर आप नदी सरोवर में स्नान ध्यान करते हैं तो फिर सभी प्रकार के जो रोग दोष पाप हैं उसका नाश हो जाता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन का विशेष ख्याल रखें और उस दिन जो है जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं उनमें अवश्य शामिल हों। तो मकर संक्रांति के दिन से जो है फिर शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और 15 जनवरी से जो है विवाह का शुभ मुहूर्त होगा। तो आइए अब इस बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं। वहीं अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानकारी पाना है कि आपकी शादी कब कहां कैसे किससे होगी किस दिशा में होगी किस लड़के से हो सकती है किस नाम से करनी चाहिए जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा आपका करियर कैसा होगा अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ससुराल में घर द्वार कैसा होगा सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा पति कितना पढ़ा लिखा होगा संतान योग राजयोग सेहत सभी प्रकार की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और यह जानकारी आपको जो है दोनों माध्यमों में से किसी एक माध्यम का चयन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो मौखिक। अगर आप लिखित जानकारी पाना चाहते हैं तो लिखित और अगर मौखिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको तत्काल ही पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो शुक्र का जो गोचर हो रहा है मकर राशि में वो 29 दिसंबर को हो रहा है। वर्तमान समय में शुक्र जो है वो धनु राशि में है तो धनु राशि के लड़कों के लिए विवाह के योग बना रहा है, लेकिन 29 दिसंबर के पश्चात शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुल मिलाकर 24 दिनों तक जो है वो मकर राशि में रहेंगे और 22 जनवरी तक जो है शुक्र मकर राशि में ही रहेंगे। और वर्तमान समय में मकर राशि में जो है
शनि 7:30 ही चल रहा है, शनि मार्गी है, तो जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के जातकों के लिए विवाह का योग बनेगा, और उस दौरान जो है मकर राशि के लड़कों के विवाह के 100% योग बनेंगे। आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं 29 दिसंबर के पश्चात, यानी 29 दिसंबर से रिश्ते आ सकते हैं, और 22 जनवरी तक जो है आपकी सगाई शादी के कार्यक्रम तय होने के और उनके होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। तो 24 दिनों तक जो शुक्र है मकर राशि में रहेंगे, इस दौरान मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लाएगा। तो मकर राशि के जातकों का नाम जे से होता है, अगर आपका नाम जे से है और आप मकर राशि के जातक हैं, आप लड़के हैं, तो आपके लिए शुभ योग है। आने वाला समय यानी कि जनवरी में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी 22 जनवरी तक, और आपको अब इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। 22 जनवरी के दिन ही शुक्र जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो जनवरी के 22 जनवरी के पश्चात जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए भी विवाह के प्रबल योग बनेंगे, और कुंभ राशि में जो है शुक्र 15 फरवरी तक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर का है कि जनवरी फरवरी का महीना मकर राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपके विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आसान शब्दों में कहे 100% योग बन रहे हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो आप उसका निवारण करा सकते हैं। अगर कोई दोष लगा है तो आप उसका निवारण अवश्य करा ले इससे पहले, और फिर आपके लिए शुभ परिणाम अवश्य ही मिलेगा। वही बात करें कि गुरु का जो गोचर है वर्तमान समय में वो मीन राशि में है, और मीन राशि में 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। और वही मंगल की बात करें तो मंगल वर्तमान समय में वृषभ राशि में विराजमान है, सूर्य धनु राशि में विराजमान है वर्तमान समय में, और 14 जनवरी को जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे धनु से निकलकर। तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर से भी विवाह के योग बनेंगे। हालांकि ऐसे जातक मकर राशि के जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक होगी उनके ही विवाह के योग बनेंगे सूर्य के गोचर से। वहीं शुक्र के गोचर से जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक होगी उनके विवाह के योग बनेंगे, और जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा होगा उनके भी विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। तो 22 जनवरी का दिन बेहद शुभ है और 22 जनवरी तक आपके लिए विवाह के प्रबल योग है। हालांकि 26 जनवरी और 17 जनवरी ये दो दिन है जिसके लिए जनवरी के महीने में विवाह मुहूर्त बहुत है और अच्छा विवाह मुहूर्त है, क्योंकि उस दिन एकादशी पड़ रहा है 17 जनवरी की तिथि को। तो अगर आप विवाह या परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं तो 17 जनवरी का चयन कर सकते हैं। तो मंगल जो है वृषभ राशि में है, सूर्य जनवरी महीने में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं मीन राशि में गुरु का गोचर है। तो आपको कुल मिलाकर कहे तो मीन राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, धनु राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं जनवरी में। 7:30 जो है वो शनि जो है वो 17 जनवरी को जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर मकर राशि के जातकों के लिए और भी आसान हो जाएगा रास्ता। तो इससे जो है मकर राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बनेंगे। आइए अब मैं आपको नाम के बारे में जानकारी देता हूँ, दिशा के बारे में जानकारी देता हूँ, राशि के बारे में बताने जाता हूँ कि आपको किस राशि के जातकों से विवाह करना चाहिए, किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है और किससे विवाह हो सकता है। तो मकर राशि के जो राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य देव भगवान शिव जी है, तो इन पर भगवान शिव जी और शनिदेव की कृपा हमेशा बरसती रहती है। हालांकि ऐसे जातक जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें शनिदेव की जो है कुदृष्टि से गुजरना ही पड़ता है, और उन्हें न्याय के जो देवता न्यायाधीश शनिदेव हैं वे बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य देते हैं। तो मकर राशि के जो आराध्य देव शिव जी हैं और इनके जो राशि स्वामी हैं शनिदेव हैं, बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा बेहद शुभ होता है। इन दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो कुंभ राशि के जातकों के साथ अगर विवाह होता है, मीन राशि के जातकों के साथ विवाह होता है, या फिर कन्या राशि के जातकों से विवाह हो तो आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ कर होगा। इन राशि के जातकों से मकर राशि के जातकों के सामंजस्य बेहतर बैठते हैं। तुला राशि, कन्या राशि, मीन राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इनमें से किसी एक राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। हालांकि कुंडली मिलान अनिवार्य है, आप विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। तो दिशा मैंने बता दी, मैंने आपको राशि भी बता दी किस राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। मीन राशि के जातकों के लिए भी जो है कुंभ राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक ठीक होते हैं, और इनके साथ अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
वहीं बात करें कुंभ राशि के, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए तुला राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और मेष राशि के जातक सही होते हैं। अगर इनसे आपके विवाह हो तो आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। बात करें दूर दिशा की तो पश्चिम दिशा में विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने मीन राशि की दी है। आइए अब मैं आपको धनु राशि के बारे में बताऊं। धनु राशि के जो जातक होते हैं उनके विवाह के योग जो बन रहे हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में बनने रहे हैं। इसके अलावा कुंभ राशि के जातक के साथ इनका सामंजस्य बेहतर बैठता है, मीन राशि के जातकों के साथ इनका सामंजस्य बेहतर बैठता है। तो मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों में से किसी एक राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय अवश्य ही बीतेगा। तो कुल मिलाकर कहे कि तीन राशियां जो हैं वो प्रमुख हैं और इनके विवाह के प्रबल योग हैं। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के भी विवाह के प्रबल योग हैं, उनके लव मैरिज के योग हैं। तुला राशि के जातकों के लव मैरिज के योग हैं, मेष राशि के जातकों के लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही योग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जनवरी में जिन जातकों के, जिन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।